वेलकम बैक टू माय चैनल द मीनू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो मैं अपने कपड़े, मैंने बताया था कि जो कुर्सी पे मेरे कपड़े रखे थे, मैं घर गई थी अपने मायके और उसके दूसरे दिन हमको लखनऊ निकलना पड़ा, इसलिए हम रख नहीं पाए थे। तो आज मैंने सोचा मैं चलो रख देती हूँ और आप लोग को भी दिखाते हैं कि मैं इतने सारे ड्रेस लेके गई थी, 3-4 साड़ियाँ 5 और सूट वगैरह, लेकिन पहन नहीं पाए इतना, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना, उसके हिसाब से मैंने सिर्फ पहना है वो सूट जो मतलब मैं 2-4 बार पहन चुकी हूँ, वही सूट मैंने पहना है। तो अभी सब साड़ी को मैंने फोल्ड कर लिया अपनी, ये मैंने फोल्ड कर लिया अपनी साड़ी और इधर से नहीं दिख रहा है, अभी दिखा रहे हैं आप लोग को मेरी मतलब मैंने एक कितनी साड़ी में लेके गई थी, लेकिन पहनी मैंने सिर्फ 2 साड़ी है, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, मैं 7 साड़ी लेके गई थी और सूट लेके गई थी 2-3, लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सूट पहने हैं। क्यों? जाते जाते भी मेरा हो गया था 1-2 एक्स्ट्रा, इसीलिए तो कहते हैं जितनी जरूरत है उतना लेके जाओ। लेकिन जैसा होता है ना कि गर्मी थी ना, इसकी वजह से पहन नहीं मिला, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं लेके जाऊँ, अगर मूड बनेगा तो पहनूंगी मैं। कभी ब्लैक भेजती, कभी रेड भेजती हैं, कभी कुछ भेजती हैं सीता भाभी। तो अभी मेरा इतना मैंने थोड़ा बहुत अभी फोल्ड किया है, मैंने इतना मैंने फोल्ड किया है और अभी इतना सारा सूट और सब कुछ अभी फोल्ड करने को बाकी है। तो मैं फटाफट अपनी पैकिंग करती हूँ और शाम भी होने वाला है, वो हस्बैंड जी हेल्प कराएंगे नहीं तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ अपने आप ही। फाइनली हमारा सामान सब सेट हो गया और मैंने देखो मैंने 2 सूटकेस तैयार किया है, मतलब इतना ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं कि मतलब पहनना होगा ना तो सोचो कि मेरे पास कपड़े ही नहीं है, लेकिन जब उसको रखना होगा ना समेट के तब पता चलेगा कितने कपड़े हैं। तो ऐसे हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आप लोग के भी साथ ऐसा ही होता होगा कि मैं क्या पहनूँ मैं क्या पहनूँ। जैसे कि मेरी आदत रहती थी पहले ही, तो मम्मी से बोलते रहते थे मैं क्या पहनूँ मेरे पास कपड़े ही नहीं है तो मम्मी कहती थी हाँ जितने कपड़े हों तुम्हारे पास उतना ही कम लगता है आपको। तो वही मुझे याद आ गया आज मम्मी की ये बात। तो फाइनली इसमें तो मैंने अपना सब साड़ी पैक कर दिया है और जो मैं अपने घर लेके गई थी, कम से कम 6-7 साड़ी हो गई थी और मम्मी के यहाँ से भी मिली थी, वो साड़ी भी हमने इसी में पैक कर दिया है। और इसमें मैंने अपनी सूट और क्या कहते हैं कुछ नए कपड़े और सब मतलब नए सारे सूट हमने इसमें रख दिए हैं, इस वाले रेड में और मैरून वाले सूटकेस में मैंने साड़ी सब पैक कर दिया है अपना। और अभी हस्बैंड जी गए हैं मार्केट पनीर लाने, क्योंकि आज कुछ स्पेशल डे है, तो मैंने कहा कुछ मैं भी स्पेशल बनाऊंगी। और स्पेशल डे ये है फ्रेंड कि हमारे सासू मम्मा का आज एनिवर्सरी है, 19 जून मेरी पड़ती है 19 मई और मम्मी की पड़ती है 19 जून को, और मेरी बड़ी सिस्टर यानी कि मेरी लवली दीदी का भी पड़ता है 19 जून, तो उनकी भी एनिवर्सरी है और मम्मी की भी एनिवर्सरी है। तो मैंने कहा कि उन लोग की एनिवर्सरी है भाई, हम नहीं पहुंच पाए हैं, लखनऊ भी नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि इनको छुट्टी नहीं मिल पाई, अभी जल्दी में छुट्टी लगाए थे, तो क्यों ना हम यहीं पर सेलिब्रेट करें। तो अभी हस्बैंड जी गए हैं पनीर लेने और फिर लेके आते हैं, फिर मैं मस्त पनीर बनाती हूँ और आप लोग को भी दिखाते हैं। पनीर दिखाती हूँ कितना अच्छा बना है, देखिए कितना अच्छा कलर आया ना, बहुत टेस्टी पनीर भी बनाते हैं हम। तो चलते हैं अब हस्बैंड जी को दे देते हैं खाना, उनको भूख लगी है, ये लो अपना भी निकाल लो ना, आप खा लो फिर हम ला रहे हैं। तो मेरा खाना हो गया और मैंने भी खाना खा लिया है, हस्बैंड जी भी खा लिया और मैंने भी खा लिया खाना।
गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं अभी नहावा के रेडी हो गई हूँ और मैंने पहनी है आज साड़ी। मेरी साड़ी ऐसे दिख रही है, मैंने येलो और रेड में पहनी है। और कमेंट में जरूर बताना कि मेरी साड़ी कैसी लगी। और मैं कल अपना ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी तो मैं सोची कि मैं नेक्स्ट टाइम में ऐड कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी रात हो गया था, खाना वाना खाए फिर उसके बाद में। तो मैं आज ब्लॉग अपना एंड करूंगी और देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं। तो वो अभी सो रहे हैं क्योंकि अभी फाइनली थोड़ी देर पहले ड्यूटी से आए हैं, तो उनको भी नींद लगी है तो वो सो रहे हैं। तो मैं चलती हूँ अभी, फटाफट कुछ नाश्ता बनाती हूँ और उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड, हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है और मैंने नाश्ते में आज बनाया है मैक्रोनी और चाय। लेकिन अभी हस्बैंड जी को मैं जगाने गई थी तो वो अभी कह रहे हैं कि मैं अभी नहीं नाश्ता करूँगा, थोड़ी देर बाद करूँगा, आधे घंटे बाद। तो हम वेट करते हैं उनका, वो सो थोड़े से अभी थोड़ी देर में उठेंगे, फिर फ्रेश वगैरह हो जाएंगे, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। तो फाइनली मैं बाथरूम में आ गई क्योंकि मेरे कपड़े कुछ रखे हुए हैं, उसको धुलना है। क्योंकि मैंने हस्बैंड जी को एक बार फिर से जगाने की कोशिश किया कि मतलब उठिए नाश्ता कर लीजिए, तो वो अभी कह रहे हैं कि मैं अभी नहीं करूँगा नाश्ता क्योंकि अभी मुझे नींद लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम सो आराम से, तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर ले रही हूँ। तो मेरे कपड़े भी रखे थे धुलने के लिए, तो मैंने सोचा कि मेरे कपड़े धुल लेती हूँ, इनकी वर्दी वगैरह भी हैं, तो मैंने कहा फटाफट मैं धोती हूँ, उसके बाद आप उठिए, फिर मैं लगाती हूँ नाश्ता, फिर मैं करती हूँ। तो मैं चलती हूँ अपने कपड़े धुल लेती हूँ फटाफट। तो फाइनली मेरे कपड़े धो गए हैं और अब मैं चल रही हूँ, बाहर डाल दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दरवाजा बंद करके रखते हैं हम, क्योंकि बाहर थोड़ा पानी चला जाता है, स्पेस थोड़ा कम है ना बाथरूम में, इसलिए पानी चला जाता है। तो मैं अपने कपड़े फैला देती हूँ फटाफट से। आज बहुत लेट कर दी क्या बात? अच्छा, चलिए ठीक है, हम कपड़े डालते हैं अपना फटाफट। हमको लगा पहला मैंने देखा था ना ऊपर रखा हुआ था। थैंक यू, मैंने सोचा आज मैं पहनती हूँ। फाइनली मैंने अपने कपड़े डाल दिए हैं और फिर से मैं जा रही हूँ अंदर, अब जगाती हूँ फाइनली हस्बैंड जी को नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं अपने कपड़े, देखते हैं इस बार उठे तो उठे, नहीं तो मैं अपना नाश्ता कर लूँगी क्योंकि मुझे भूख लग रही है। तो फाइनली इस बार हस्बैंड जी उठ गए हैं और गए हैं फ्रेश होने, और वो फ्रेश होके आते हैं तब तक मैं चाय गर्म करती हूँ, क्योंकि मैंने चाय भी बना लिया तो मुझे लग रहा था कि उठ जाएंगे लेकिन वो उठे नहीं थे। तो मैं अपना चाय भी गर्म करती हूँ, उसके बाद नाश्ता लगाती हूँ और मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हमारा नाश्ता हो गया और नाश्ता करने के बाद मैं किचन में फिर से आ गई क्योंकि हस्बैंड जी कुछ काम कर रहे थे अपना, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी इसलिए मैं आ गई यहाँ पर। मुझे थोड़ा सा पसीना लग रहा था तो इसे लग रहा कि क्या कुछ चिपका हुआ है, ऐसा लग रहा था। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, और कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देखने के बाद मतलब लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो मुझे दोनों चाहिए, लाइक भी सब्सक्राइब भी। तो फटाफट हमारे चैनल पर जो नए हैं वो जाके सब्सक्राइब करिए, और जो हमारे चैनल हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं वो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड में शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।